हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है वो। इसको हम पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। 768 एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, ये 6 है यहाँ पर, तो हो जाएगा 16। 2 8 16 और उसके बाद 8 है तो 2 4 8, मतलब 384 आ गया। अगेन 384 2 से डिवाइड होगा क्योंकि ये इवन नंबर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापस 384 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, उसके बाद 1 बचेगा, 8 है, 2 9 18 और 2 2 4, 192। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 9 18 होगा, 1 बचेगा, ये 2 है, 2 6 12, 96। अगेन हम 2 से करेंगे तो 96 में 2 4 8, 1 बचेगा, 6 है, मतलब 18, 2 8 16, सॉरी 1 के साथ हमने 6 लिया था, 16 हुआ था, 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, मतलब ये 48 होगा। अगेन 48 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4 और 2 4 8, 24। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 12, बिकॉज 12 2 2 24 होता है। 12 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12, अगेन 6 जो है 2 से डिवाइड होगा, ये 3 और 3 को हम 3 से करेंगे तो 3 1 3, राइट। तो ये पूरे के पूरे फैक्टर्स आए हमारे 768 के, जिसे हम लिखते वक्त डायरेक्टली इनटू करके लिखना है। कितने बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, और ये इंटू 3 एक ही बार है, तो लिखते वक्त हम 2 to the power 8 इंटू 3 ये लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हुआ है। फॉर द क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।